तन्हा है रू नम मेरी आंखें रहे आजा मेरे अब रूबरू जीना नहीं बिन तेरे तेरे अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जिंदगी से कोई शिकवा रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन डिजिटल क्रियो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका उस्मत अज्जाद। नादरीन इकराम आज हम मौजूद हैं एक सिंगिंग एकेडमी में। लोप्स म्यूज़िक के नाम से ये एकेडमी चल रही है, अरसा दराज से ये चला रहे हैं। उमर दराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, क्या क्या इन्होंने अपने शागिर्दों को आज तक सिखाया है, गिटार सिखाया है, सिंगिंग सिखाई है, सारा इनका इनको इनसे पूछते हैं इस बारे में। सारा मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, कैसे शौक पैदा हुआ आपको, मतलब कितनी देर हो गई? मुझे 11-12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है और मुझे गिटार बजाने का और गाने का बचपन से ही शौक था। और मैंने ये जो चीज़ है ये लोगों को देखता था कि किस तरह बजाते हैं, ये क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आती थी। तो फिर मैंने बचपन में ही एक दोस्त था मेरा, उससे मैंने 1000 रुपये में गिटार परचेज़ किया था जिसके अंदर सिर्फ 2 तारें थी। तो उन 2 तारों पे मैंने बजाना स्टार्ट किया, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि इस पे बजता भी है कुछ। फिर मुझे बताया कि यार इसके अंदर 6 तारे होती हैं, EADGBE, ये 6 तारे होती हैं। लेकिन उस वक्त मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ ई और ए थी। उन ई और ए वायर्स पे मैंने स्टार्ट किया था और वो जैसे एक बिगनर बजाता है उस तरह ही बजाता था। फिर मुझे लोगों ने बताया कि इस तरह नहीं बजता। फिर मैंने प्रॉपर इसको सीखा, मैंने प्रॉपर नहीं कह सकते कि कह लें कि यार कम्युनिटी कुछ गैदरिंग ज्वाइन की या दोस्तों को देख देख के या फिर आगे जो दोस्तों के दोस्त थे जो गिटार बजाते थे उनको देख के उनसे थोड़ा गाइडेंस लेके मैंने सीखा। फिर मैं बजाना शुरू हो गया, फिर मुझे यहाँ से शौक शुरू हो गया मेरा। स्टार्ट किया था जब ये गिटार, तो उस टाइम सोचा था कि उमर दराज एक दिन एकेडमी बनाएगा, लोगों को सिखाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ एक अपने शौक की हद तक बजाता था और सोचा था कि मैं सीखूंगा इसको, बस अपने शौक तक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एकेडमी होगी, मैं बच्चों को सिखाऊंगा, लाइक मैं इसको आगे तक लेकर जाऊंगा। ये सिर्फ एक पैशन ही था, प्रोफेशन नहीं था। नाड़ी बंदा होता है जो जीरो से शुरू करता है, तो कितनी देर में उसको सिखा देते हैं वो मास्टर बन जाता है? मास्टर बनने में जाहिर है ये कोई मास्टर बनने के लिए 6-7 माह नहीं लगते, हर किसी का अपना स्ट्रगल होता है। हम भी टाइम लगा कर बैठे हैं, लोग भी टाइम लगा कर बैठते हैं। जो सीखना चाहता है जो लाइक 3 माह के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर हम उसको बंदे को क्लियर कर देते हैं कि यार ये आप बजा सकते हो, बाकी आपकी फर्दर ट्रेनिंग जो है आपके खुद की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से आएगी। चार्ज क्या करते हैं हम? 4K इस वक्त 4K मंथली चार्ज करते हैं, जिसके अंदर वीकली 3 क्लासेस होती हैं, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ये 3 क्लासेस लेते हैं हम वीकली और मंथ के हम 4K चार्ज करते हैं। दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, हे हे माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्यों बिलाल, कैसा लगा आपको? जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आउट क्लास था। मेरे सर हैं तो जो है अच्छा ही गाते हैं। अभी आपसे भी कुछ सुनेंगे, कम्पीट करेंगे इनको? जी इंशाल्लाह ज़रूर। कितनी देर हो गई आपको इनके पास? मुझे सर इनके पास तकरीबन 2 से 3 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पर आते को, और जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जो सीखा उम्र भाई से ही सीखा है। तो सर हैं हमारे। ज़ीरो से स्टार्ट किया था यहाँ? जी मैं बस बेसिक्स वगैरह जो है मैं थोड़ा बहुत गाता था, लेकिन जो है गिटार मुझे बिल्कुल ज़ीरो आता था, कुछ भी नहीं था आता। तो प्रॉपर म्यूज़िक थ्योरी मैंने इधर आके मैंने उम्र भाई से सीखी, प्रॉपर बजाना सीखा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है तकरीबन पूरा गिटार मैं प्ले कर लेता हूँ। अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाया हमें गिटार। जी लेकर याद तेरी रातें तेरी कटी, लेकर याद तेरी
रातें मेरी कटी, मुझसे बातें तेरी करती है चांदनी, तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी दिन मेरे तिनके जैसे नहीं, तन्हा बदन तन्हा है रू नम मेरी आंखें रहे, आ जा मेरे अब रू बरू जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया कैसे जिया तेरे बिन। ऐसा शागिर्द जब तक आप जब से आप सिखा रहे हैं कोई ऐसा लगा हो कि यार ये शागिर्द से मुझे डर लगता है ये तो मुझे भी काट जाएगा? ऐसे अच्छा जाहिर है सारे शागिर्दी उस्तादों को काट जाते हैं, उस्ताद पीछे रह जाते हैं और बच्चे आगे चले जाते हैं, आपने भी सुना होगा और हकीकत भी यही है, उस्ताद वहाँ पर रह जाते हैं और शागिर्द आगे चले जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास बिलाल बैठा हुआ है, ये बिलाल काफ़ी बच्चों में से एक स्टूडेंट मेरा है और इनको भी मैंने गिटार सिखाया है और काफ़ी देर से मेरे ख्याल से 2022 या 21 में मेरे पास आए थे और अभी 2024 का अख्ताम हो रहा है, तो अब इनसे बाकी सुने आप। नूरे जहां नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सो जन्म मैं, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया हो गया, डूबे तो यूं जैसे होना था प्यार रहे, आजा मेरे अब रू बरू जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन कैसे जिया कैसे जिया तेरे। थैंक यू सो मच गाइज, होपफुली आपको इंटरव्यू का मज़ा आया होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा और काफ़ी कुछ पता चला होगा कि गिटार को किस तरह लेकर चलना है, और अगर आपको कुछ मोर डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी है loopmusicacademy.pk के नाम से, तो वहाँ पे आप हमें रब्ता कर सकते हैं, हमारा काम देख सकते हैं, और अगर फर्दर डिटेल्स चाहिए तो मेरा नंबर नीचे मैंशन होगा 03144330413। उम्र दराज, थैंक यू सो मच।